हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर, थैंक्स अलॉट हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। व्यूअर्स, जिन लोगों ने एचआईवी टेस्टिंग कराई है अपनी, तो उन लोगों ने बहुत सारे मुझे क्वेश्चन किए हैं कि हम उसको कैसे पढ़ें। मुझे कॉल भी किया है लोगों ने कॉल मी फोर ऐप पर। चलो उसके बारे में बता देता हूँ आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सनल इश्यूज पर बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कमेंट में ना करें बल्कि कॉल करके बात करें। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि आप मुझे कॉल मी फोर एक ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और उस पर रजिस्टर करके वहां से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वहां ऐप में आप चैनल के नाम को हमारे सर्च करेंगे, देन यू कैन मेक मी अ कॉल। देखिए, इसमें बहुत सिंपल है रिपोर्ट को समझना। रिपोर्ट में दो चीजें लिखी होती हैं, नॉन रिएक्टिव या फिर रिएक्टिव। मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके के रिपोर्ट्स होती हैं, नॉन रिएक्टिव और रिएक्टिव। तो नॉन रिएक्टिव अगर रिपोर्ट पे लिखा है तो उसका मतलब होता है कि यू आर सेफ, आपके अंदर वायरस नहीं है। और रिएक्टिव लिखा है तो उसका मतलब है कि वायरस बॉडी में है। अगर आप पीसीआर टेस्ट कराते हैं तब भी उसके रिजल्ट में यही लिखा होता है रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव। तो आपको उसको भी इसी तरीके से समझना है कि नॉन रिएक्टिव है मींस आपको कुछ नहीं है, रिएक्टिव है मींस कि वायरस है। तो ये है आसान सी रिपोर्ट जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल बी फोर ऐप पर भी कॉल किया है। अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और क्वारी है तो आप मुझे कमेंट ऑप्शन में जरूर लिखें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।